वाराणसी में सियासी हलचल तेज, भावी प्रत्याशी रोहनिया कमल नारायण सिंह बोले धन नहीं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। शिक्षा से ही हर क्षेत्र का विकास संभव, किसके सर सजेगा सरताज, आगामी मार्च माह का खास इंतजार। आगामी विधानसभा चुनाव का घोषणा होते ही पीएम का संसदीय क्षेत्र वर्तमान समय में राजनीति का राजधानी बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस गठबंधन से भावी विधायक प्रत्याशी रोहनिया विधानसभा के रूप में ताल ठोकने इसी विधानसभा क्षेत्र के तारापुर निवासी समाजसेवी कमल नारायण सिंह ने अपना दल एस का सदस्यता लेने के बाद आदर्श आचार संहिता तथा गाइडलाइन का पालन करते हुए क्षेत्र में जोरों से घर घर जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने बताया कि धर्म नहीं महंगाई, बेरोजगारी और किसान की खुशहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि जनता ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो मैं वाराणसी में स्वरोजगार कार्य का भव्य शुभारंभ करने का कार्य करूंगा। जो भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हुए उसका लाभ भी दिलाने का कार्य करूंगा। जिस कार्य से क्षेत्र वंचित है उसे पूर्ण कर मैं अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। हर वंचित गरीब तबके के लोगों को प्रत्येक सुविधाओं को मुहैया कराते हुए सबके सपनों को साकार करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। ग्रामीणों ने भावी विधायक प्रत्याशी की छवि को सराहा, दिया जीत का आशीर्वाद। फोटो वीडियो ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ वाराणसी से अश्विनी चौहान की रिपोर्ट। आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम कमल नारायण सिंह है और मैं तारापुर ग्राम का रहने वाला हूँ, जो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का गाँव है। और मैं अपना दल एस अनुप्रिया जी की पार्टी से विधायक प्रत्याशी हेतु आवेदन। किस विधानसभा से आप जो है? जी, रोहनिया विधानसभा 387 रोहनिया विधानसभा से आप जो है प्रत्याशी हैं। जो है तो जानकारी हम सर आपसे लेना चाहते हैं कि आज हमारी टीम आपके यहाँ आई हुई है ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के माध्यम से, जानना चाहते हैं कि आप आगामी विधानसभा 2022 में जब आप चुनावी ताल ठोकने के लिए मैदान करने जा रहे हैं विधानसभा रोहनिया में, तो क्या एजेंडा होगी जनता के बीच में जाने की? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग बनारस काशी क्षेत्र से सटे हुए हैं, जो सबसे प्राचीन नगर है, और हमारा एजेंडा यह है कि इसकी प्राचीनता को बनाए रखते हुए इसमें नवीनता को एकीकृत किया जाए और इसमें हमारा कृषि और हमारी आधुनिकीकरण। हमारे यहाँ तमाम बेरोजगार हैं जो शहर के पास रह करके पूर्ण रूप से विकसित न हो पा रहे हैं, उनके लिए स्वरोजगार या रोजगार की व्यवस्था करना मंगाना, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और जो हमारे पास सड़कें नालियां इत्यादि खराब पड़ी हुई हैं उनको बनवा करके सही करना है, और जो उनके सपनों को पूरा कर सके, जो उनकी व्यवस्थाओं को आगे ले जाए, जो उनकी बातों को आगे ले जाए, और अगर उन्हें जिस व्यक्ति में ऐसा अच्छा लगता है वो उसका चयन करे। युवाओं के बीच में इस समय जो है बेरोजगारी की मुद्दा बहुत ज़्यादा है जो है, तो अगर आप जो है चयनित होते हैं तो बेरोजगारी के लिए आप अपने क्षेत्र में वाराणसी में क्या करेंगे? देखिए, हम रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनकी जानकारी देते हुए उनको लाने का प्रयास करेंगे और अपने युवा भाइयों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर उसमें संपूर्ण मदद करेंगे, ताकि स्वरोजगार कर वह स्वयं अपना एक स्टैंड ले सके। तरफ से हाईवे जुड़े हुए हैं। आपकी शिक्षा क्षेत्र सिंह साहब कहाँ से है? जी, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया है से, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो BA LLB है। जो आप राजनीतिक क्षेत्र में उतर करके जो समाज सेवा करने का बीड़ा उठाए, संकल्प लिए हैं जो है, यह किसके द्वारा आपको जो है इस तरह की कार्य करने का प्रेरणा मिला? देखिए, ये प्रेरणा हमें अपनी पार्टी के अध्यक्ष पटेल जी द्वारा मिला। शिक्षा प्राप्त आकर के जब जन सेवा की तो वह भरपूर थी और मेरी प्रेरणा स्रोत ही रही। कितने जो है आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारी मीडिया टीम के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र इस समय जो है राजनीतिक राजधानी बन चुकी है, यहाँ पर यहाँ पूर्वांचल का जो है यहाँ चुनाव का समीकरण सरगर्मियाँ यहाँ तेज हो चुकी है, जो कि यहाँ बतौर सांसद यहाँ मोदी जी हैं हमारे बीच में जो है, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर आपको जनता का जनाधार अगर आपके बीच मिलता है तो सर्वप्रथम आपके प्रपोजल में आप किस काम को जो है प्राथमिकता देंगे? देखिए, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और यहाँ पे तमाम योजनाएं स्वयं आ रही हैं, परंतु उन योजनाओं का पूर्ण लाभ किस विधानसभा को नहीं मिल पा रहा। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा सुविधाएं दी गई हैं उनको पूर्ण रूप से
जान करके लोगों को बता करके उसका पूर्ण उपयोग जनता को करवाना। जनसंपर्क किस तरह से आपका चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, गाइडलाइन जारी है, तो किस माध्यम से कैसे आप जनता के बीच में जाकर अपनी प्रचार कर रहे हैं? जनसंपर्क मैं एक घरेलू व्यक्ति की तरह सबके घर जा करके दो चार लोग मिल रहे हैं और सबका आशीर्वाद और जानकारी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में जो है आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरह से अपील करना चाहते हैं, क्या आपकी हो जाएगी? देखिए, हमारा अपने मतदाताओं से यह अपील है कि वह योग्यता के अनुसार किसी उस व्यक्ति का चयन करें।